स्लज डाइजेशन हमने स्लज के बारे में अभी स्टडी कर लिया अब हमको पता चल गया कि स्लज होती क्या है अब इस sludge को क्या करेंगे हम एक्यूमुलेट करेंगे एक टैंक के अंदर तो जिस टैंक में हम स्लज को एक्यूमुलेट करेंगे उस टैंक को हम कहते हैं स्लज डाइजेशन टैंक उस टैंक में क्यों अक्यूमुलेट करते हैं क्योंकि हम उस स्लज को डाइजेस्ट करना चाहते हैं ठीक है थीके? क्या होता है ये हम समझेंगे अभी धीरे धीरे स्लज डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ सीवेज स्लज एरोबिकली अंडर कंडीशन ऑफ एडिकुट ऑपरेशन कंट्रोल स्लज डाइजेशन में हम क्या करते हैं जो कोई भी स्लज हमें मिली है किसी भी प्रोसेस के जरिए से क्योंकि स्लज सिर्फ सेडिमेंटेशन में ही जनरेट नहीं होती बहुत सारी जगह पे जनरेट होती है हमने जो लेआउट देखा था आपने देखा होगा उसके अंदर सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड थी स्लज डाइजेशन देखो मैं फिर से बताता हूँ आपको ये देखो, स्लज स्लज डाइजेशन आपको प्राइमरी सेटलिंग टैंक से भी मिलेगी फाइनल सेटलिंग टैंक होगा वहां से भी मिलेगी ऐसे डिफरेंट ग्रिट चेम्बर से भी आपको कुछ अमाउंट ऑफ स्लज यहाँ से मिल सकती है तो ये सारे के सारे स्लज को हम क्या करते हैं एक जगह पे अक्यूमुलेट करते हैं कहाँ पर करते हैं वो है स्लज डाइजेशन टैंक और वहां पर हम क्या करते हैं उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं स्लज के ऊपर किस बात के लिए प्रोसेस करते हैं जो कोई भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है स्लज में उसको हम क्या करते हैं डिकम्पोज करते हैं उसको हम डाइजेस्ट कर देते हैं उस स्लज को डाइजेस्ट करना जरूरी होता है ठीक है द स्लज इज ब्रोकन अप इंटू द थ्री डिफरेंट फॉर्म्स तो जब स्लज डाइजेस्ट हो जाती है ना तो तीन डिफरेंट फॉर्म में वो कन्वर्ट होती है फर्स्ट डाइजेस्टेड स्लज विच इज स्टेबल ह्यूमस लाइक सॉलिड मैटर टेंट सबसे पहला एक फॉर्म हमें यह मिलता है कि स्टेबल ह्यूमस लाइक सॉलिड मैटर रहता है और उसके अंदर मॉइस्टर कंटेंट भी बहुत कम होता है गीलापन भी बहुत कम रहेगा दूसरा सुपरनेटेंट लीकर विच इंक्लूड्स लिक्विफाइड एंड फाइनली डिवाइडेड सॉलिड मैटर और एक दूसरा होता है सुपरनेटंट लीकर यह थोड़ा सा लिक्विड मैटर होता है इसके अंदर पहला होता है हमारा जो डाइजेस्टिव जो पहला फॉर्म है वो क्या है एक सॉलिड मेटर के टाइप में रहेगा जिसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत ही कम है दूसरा एक फॉर्म रहेगा रहे रहे और उसके अंदर साथ में जो सॉलिड मेटर्स रहेंगे वो फाइनली डिवाइडेड रहेंगे मतलब उसकी जो फाइननेस uh, रहती है ना वो ज्यादा रहती है और लास्ट में एक जो फॉर्म रहेगा वो है गैसियस फॉर्म्स गैसेस ऑफ़ लाइक मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एटसेट्रा जब हम स्लच को डाइजेस्ट कर लेते हैं फॉर्म तो है में एक सुपर लिखकर और तीसरा है मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन वगैरह इसमें से ये वाली गैस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए मीथेन वाली आगे आएगा

इन टर्म्स ऑफ वेट अलग होता है ये दीज आर दी वेरी ब्रॉड जिसको बोलेंगे पैरामीटर्स हैं ये ये इसका सिग्निफिकेंसेज बहुत अलग है इसके बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस होते हैं कि इतना स्लज था तो वजह इसमें से कितना कितनी क्वांटिटी का सॉलिड मैटर जनरेट होगा सुपरनेटेन कितनी क्वांटिटी में रहेगा गैसेस कितनी वहां से लिबरेट आउट होंगी ये सारे के कैलकुलेशन होते हैं सारी चीजों के द गैस प्रोड्यूस कैन बी यूज एज अ फ्यूल

for small quantities of putrescible sludges commonly sludge is used as a fertilizer ashes from incinerated sludge are used as landfills in some cases wet sludge raw or digested as well as supernatant from the digester can be lagoon as a temporary measure but such practice may create problems like odor nuisance groundwater pollution and other hazard to the public health स्लज एक बार डाइजेस्ट हो गया ना तो उसको स्टोर करके रखते नहीं है हम उसको क्या करते हैं इमिजिएटली लैंड के ऊपर यूज कर लेंगे या तो फिर हम उसको इंसिनरेट कर देंगे या तो फिर बरी कर देंगे ग्राउंड के अंदर उसको दफन कर देंगे जो कुछ भी हो सके जैसा भी हो सके उसको यूटिलाइज कर लेंगे गैसेस है तो उनको इमीजिएटली यूटिलाइज कर लेंगे क्योंकि अगर हमने उसको स्टोर करके रख लिया तो वहां पर प्रॉब्लम्स uh, होने के चांसेस हैं क्योंकि गैस है मीथेन है उसकी उसमें आग लग जाती है मैंने आप पहले लेक्चर्स में आपको एग्जांपल दिया मीथेन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं तो तो अगर कुछ तो भी मिस हैप हो गया जिसकी वजह से कुछ चिंगारी भी अगर कहीं मिल गई तो मीथेन की वजह से पूरा ट्रीटमेंट प्लांट ये जलाने की ताकत रखता है ये क्योंकि बहुत ज्यादा क्वान्टिटी के अंदर मिथेन गैस का प्रोडक्शन होता है ट्रीटमेंट प्लांट में बड़े बड़े हमारे जो ट्रीटमेंट प्लांट है वहां की बात कर रहा हूँ मैं ठीक है स्लज डाइजेशन टैंक देखो ये उसकी डायग्राम है स्लज डाइजेशन टैंक की इसका भी बॉटम देखो स्लोपी है ट्रीटमेंट प्लांट के प्लांटिटली देखे ना तो जितने भी आपके यूनिट्स रहेंगे रहेंगे उसके जो बॉटम ना उसको स्लोप प्रोवाइड करना ही पड़ेगा आपको ठीक है ये साइड वॉल्स है कंक्रीट की साइड वॉल्स हैं और बॉटम को स्लोप प्रोवाइड कर दिया हुआ है ऊपर से हमने कवर प्रोवाइड कर रखा है कवर क्यों प्रोवाइड किया बिकॉज देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द गैसेस तो उन वो गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज ना हो जाए इसलिए हम ऊपर से पूरा का पूरा देखो ये तो, टॉप से पूरा का, पूरा का पूरा कवर है एटमॉस्फेयर से इसका जो कॉन्टेक्ट रहेगा वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा ठीक है तो इसमें तीन फॉर्मस में कन्वर्ट होंगे ना हमने स्टार्ट में देखा था तो जो कुछ भी सॉलिड मेटर्स कन्वर्ट होंगे वो बॉटम से यहाँ से कलेक्ट हो जाएंगे आउटलेट के जरिए से और जो लिकर, लिकर का फॉर्म रहेगा एक लिकर में से रहेगा तो वो लिकर यहां से हम कलेक्ट कर लेंगे डाइजेस्ट होने के बाद में और उसके बाद में गैस के लिए स्लज आउटलेट यहाँ पर है शायद ये एक गैस का आउटलेट प्रोवाइड किया हुआ है तो ऐसे तीनों की तीनों क्या कर सकते हैं हम तीनों फॉर्म्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं स्लज डाइजेशन टैंक में मतलब हम जो इनलेट प्रोवाइड करेंगे स्लज डाइजेशन टैंक में उसमें हम स्लज रहेगा उसमें सारी चीजें मिक्स रहेगी लेकिन डाइजेस्ट हो जाने के बाद में स्लज डाइजेस्ट होने के बाद में डाइजेशन टैंक से आपको तीन अलग अलग चीजें वहां से मिलने वाली है स्लज गैस to मैंने बताया ना आपको टॉप से पूरा का पूरा कवर करके रखते हैं क्योंकि वहां पर गैसेस जनरेट होंगी गैस क्यों जनरेट होती है एक्चुअली कल हमने डिस्कस किया था एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंडोथर्मिक प्रोसेस

ठीक है और उसमें हीट भी ज्यादा हो जाती है फिर उसके अंदर हीट का भी जनरेशन हो जाता है इफ द स्लटेन्स सम ग्रिट द बॉटम इज गिवन अ स्लोप ऑफ वन इन टू मैंने बताया ना आपको स्लोप का होना जरूरी है सफिशियंट स्पेस इज प्रोवाइडेड इन द टैंक फॉर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द स्लज ठीक है